हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी है इंग्लिश स्पोकन की 22 पार्ट, जो कि 21 पार्ट जो है हम ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स बना करके अपलोड कर दी गई है। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, नहीं देखिए तो इंटरेस्ट तो देख सकते हैं, ठीक है, वरना आज से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये जो है फ्रेंड्स हमारी जो सीरीज चली हुई है, ये जो है एडवांस स्ट्रक्चर पर चली हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। जो आज का एडवांस स्ट्रक्चर है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स सपोज टू। सपोज टू का फ्रेंड्स हम यहाँ से इस्तेमाल यहाँ से हम सीखने वाले हैं कि सपोज टू हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं हम सबसे पहले रूल देते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको पूरे से क्लियर हो जाता है। देखिए रूल रूल क्या है, देखिए सब्जेक्ट लगाना है आपको, इज आर एम लगाना है प्लस सपोज टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको यूज करना है। आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तीनों जो है तीनों रूल देखेंगे, क्या जो नेगेटिव भी देखेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे और इंटरव्यूटिव हम यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। सर पॉजिटिव का रूल देख लेते हैं। देखिए मुझे अपने ऑफिस 9 बजे पहुँचना ही है। देखिए जब भी हम यहाँ पर कोई काम करना ही होता है कि भाई यार मुझको जो ये काम है करना ही है, ध्यान देना, सपोज टू कब लगाते हैं, इसको लगाते हैं जब भी हमको कोई काम करना ही होता है, तो वहाँ पर हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे अपने ऑफिस जो है 9 बजे ही पहुँचना है, ठीक है, मतलब पूरा जो है 101% हमें जो है ये काम करना ही है, तो वहाँ पर हमें सपोज टू लगाना है। मुझे करना है या उसे करना है, किसे भी करना है, आप वहाँ पर सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाइए, मुझे अपने ऑफिस 9 बजे पहुँचना ही है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मतलब आई एम, फिर क्या जाएगा सपोज टू, देख रहे हो फ्रेंड्स, सपोज टू, आई एम सपोज टू, क्या जाएगा फ्रेंड्स, आई एम सपोज टू, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, पहुंचना, मतलब आई एम सपोज टू रीच, क्या जाएगा फ्रेंड्स, रीच, मतलब ऑफिस, समझ रहे हो, मेरा ऑफिस मतलब माई ऑफिस, 9 बजे मतलब एट 9 AM, क्लियर है, आई एम सपोज टू रीच माई ऑफिस एट 9 AM, ठीक है। अब एक इसका नेगेटिव देख ले, मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका असल मीन क्या है, कि जब भी हमें कोई काम मस्ट होता है कि भाई यार ये करना ही है, तब वहाँ पर सपोज टू का यूज़ कर लगा सकेंगे, ठीक है। नेगेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नॉट सपोज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आप जानते हैं जब भी हमें कोई काम नहीं करना, भाई कसम खा ली मुझे नहीं करना है बिल्कुल भी ये काम, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगा देना है। तुम्हें हिंदी नहीं बोलनी है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक हिंदी, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको, दूसरा सेंटेंस, मतलब तुम्हें, मतलब सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा यू, ठीक है। फिर क्या है, देखिए नहीं बोलनी है, मतलब इज आर एम का है, तो यू आर नॉट, क्या फिर क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स, देखिए सब्जेक्ट है, इज आर एम आ गया, नॉट आ गया, फिर क्या था, सपोज टू, यू आर नॉट सपोज टू, अब क्या है बोलना, मतलब वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, स्पीक क्या हिंदी, हिंदी, तुम्हें जो है हिंदी नहीं बोलनी चाहिए कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर कम में, ठीक है। अब देखिए एक इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बना लेते हैं, रूल क्या है इसका भी देख लेते हैं। इज आर एम जो है वो स्टार्टिंग में रख देते हैं, आपको जानते हैं पता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर सपोज टू वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, क्या मुझे 10 बजे ही पहुंचना है, अब जैसे क्वेश्चन होता है यार क्या मुझे 10 बजे ही पहुंचना है, पूछ रहा हूँ किसी से क्या मुझे 10 बजे ही पहुंचना है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या सपोज टू यूज करते हैं। सपोज टू मतलब जो कोई भी काम मस्ट होता है कि भाई हमें करना ही करना है, तो वहां पर हम सपोज टू का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, क्या मुझे 10 बजे ही पहुंचना है, मतलब एम इजार आ गया, फिर सब्जेक्ट मतलब मुझे, फिर सपोज टू लगाना हमें, ठीक है, सपोज टू मतलब एम आई सपोज टू पहुंचना, मतलब रीच वर्ब है, सिंपल है, एम आई सपोज टू रीच बाय 10 बजे ही, मतलब बाय 10 AM, AM या PM कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एम आई सपोज टू रीच बाय 10 AM, क्या मुझे 10 बजे ही पहुंचना है। तो फ्रेंड्स आई होप जो है सपोज टू का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स तो चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप प्रैक्टिसिंग।